हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपने हमारी पहली नीम खल्ली की वो जो वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि उसका सेकंड पार्ट हम बनाने वाले थे, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट बनाने वाले। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले मेरे चैनल को विजिट करके आप नीम खल्ली जो मैंने बनाई है पहले उसको जाकर आप देख सकते हैं, और फिर इस वीडियो को देखिए, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। और उस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको अच्छे से समझेगा, और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, नहीं तो आपका कोई स्टेप छूट गया तो आपकी पूरी नीम खल्ली बेकार भी हो सकती है। तो आज हम नीम खल्ली बनाने वाले हैं, डिकम्पोज कैसे करते हैं उसे, उसके पत्तों को अच्छे से कम्पोस्टिंग कैसे की जाती है वो आज हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। नीम खल्ली के लिए हमें लगेगा ऐसा कंटेनर। आप बड़ा बड़े बकेट भी ले सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी, आपको जो कंटेनर लेना है वो ले सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए मैं यहाँ छोटू सा ही कंटेनर यूज कर रहा हूँ, ये पेंट के ये छोटू सा ही कंटेनर यूज कर रहा हूँ। और आपको लगेगी मिट्टी, आप अपने गार्डन की सॉइल ले सकते हैं, कोई कौन सी भी सॉइल चल जाएगी। थोड़ी चाहिए हमें ऊपर से उसे करने के लिए नीम लीव्स, आप ड्राई भी ले सकते हैं, अगर गर्मियों में वो पत्ते नहीं गिर जाते क्या ये पेड़ के नीचे, वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो पत्ते भी आप यूज कर सकते हैं, और ऐसे भी पत्ते यूज कर सकते हैं। आप ग्रीन लीव्स भी यूज कर सकते हैं, आप येलो जो पेड़ के नीचे गिर जाते लीव्स वो भी यूज कर सकते हैं। आपका जैसे ऑप्शन, आपको जो यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगेगा थोड़ा सा गोबर, अगर डिकम्पोज नहीं होगा तो भी चलेगा, वो उसमें डिकम्पोज हो जाएगा, अगर थोड़ा सा होगा तो चल जाएगा। अगर आपके पास डिकम्पोज वाला है तो वो भी यूज किया जा सकता है, और अगर आपके पास नहीं है गोबर, गोबर नहीं है आपके पास तो भी चल जाएगा। आप मिट्टी यूज कीजिए ज्यादा से ज्यादा, आपकी खाद बहुत अच्छी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं प्रक्रिया। अब आपको कंटेनर के नीचे मिट्टी डालनी है। चलिए अब मैंने देखिए थोड़ी सी मिट्टी डाल दी नीचे, ये थोड़ी सी आपको एग्जांपल के लिए मैं डाल के बता रहा हूँ, ये गोबर मैं यहाँ डाल रहा हूँ नीचे के लेयर में। गोबर के थोड़े टुकड़े होंगे तो उन्हें थोड़ा सा तोड़ के डालना चाहिए आपको, ताकि वो जल्दी डिकम्पोज हो सके। ये मैंने गोबर भी इसमें थोड़ा सा डाल दिया, और फिर आपको नीम लीव्स लेने हैं। अब मैंने इसमें थोड़े से आधे फिल कर लिए, फिर आपको करना क्या है, आधे फिल करने के बाद अब हमने नीचे मिट्टी की लगाई थी उसके ऊपर गोबर लगाया था और नीम लीव्स, फिर आपको गोबर की खाद लगानी है, ऊपर थोड़ा सा गोबर डालना है। अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप मिट्टी डाल सकते हैं, नहीं तो कोई खाद होंगी कंपोस्ट वगैरह वो भी इसमें यूज की जा सकती है, इसे अच्छे से जल्दी डिकम्पोज करने के लिए। इसमें हम दूध दही और किसी भी प्रकार का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। और फिर आपको उसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हुई, अब हम इसे पूरा फिल कर लेंगे। अब हम डाल लिए वो नीम के ऊपर, नीम के ऊपर आपने पत्ते डाल लिए, और फिर पत्ते डालने के बाद आपको उसके ऊपर गोबर खाद डालनी है। अब हमने डाल ली थी वो गोबर खाद, और अब हमने इसके ऊपर पत्ते डाले हैं, और फिर आपको इसे पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। अब मैंने इसे फिल कर लिया है, देख सकते हैं आप, मैंने इसे फिल कर दिया और इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, नहीं तो वीडियो लंबा हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, फिर ये होने के नीम पत्ते होने के बाद, गोबर खाद वगैरह की सबकी लेयर होने के बाद, आपको फाइनल सबसे फर्स्ट ऊपर की जो मिट्टी की लेयर, वो मिट्टी की लेयर करनी है, और आपको इसे पानी देना है। मेरा कंटेनर छोटा है तो मैं इसे कम पानी दूंगा, बस इतना ही चलेगा। देखिए कितना जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया इसने, बस अब कुछ नहीं करना है आपको, एक हाथ दो महीने इसे छोड़ देना है। एक हाथ दो महीने के बाद बहुत अच्छी खाद बन जाएगी आपकी, और वो प्लांट्स में यूज की जा सकती है। अब ये आप देख सकते हैं, मैंने ये बोरी में नीम के पत्ते रखे थे, अब ये इसे एक महीना हो गया है, अब बस इसे कुछ 30 नहीं तो सिर्फ 15 ही दिन बाकी है, 15 दिन बाद ये बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो जाएंगे, और फिर मैं इन्हें प्लांट्स में यूज कर सकता हूँ, ये बहुत अच्छे हो जाते हैं फिर। और इसके ऊपर मैंने मिट्टी भी नहीं डाली थी, ये प्योर गोबर खाद है, मतलब नीम की खल्ली है, फिर नीम की खल्ली बहुत अच्छी बन जाएगी। आपको हमेशा प्लांट को ऑर्गेनिक देना चाहिए और केमिकल फ्री फर्टिलाइजर्स देने चाहिए, और नीम खल्ली बहुत अच्छा फंगिसाइड भी है, अगर आपके प्लांट को फंगस लग गया तो आप ऊपर से नीम खल्ली दे सकते हैं और उसको स्प्रे भी कर सकते हैं।
मेरे वो नीम खल्ली के वीडियो में उसकी सारी क्वांटिटी बताई हुई है, आप वहाँ विजिट करके उसे देख सकते हैं। और नीम के जो निबोरी होती है, ये ऐसे उसका छिलका जो होता है, वो छिलका भी आप नीम खल्ली में यूज कर सकते हैं। वो छिलके से भी बहुत अच्छी खाद बनती है, छिलके में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए नीम खल्ली में छिलके वाले पेड़ से ही पत्तियां तोड़ के लाए, जाके छिलके नीम खल्ली में जाएंगे तो अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और इन सीड्स का आप पेड़ उगा सकते हैं। ये हमने अपनी नीम खल्ली जब बनाई थी उससे निबोरी निकली थी, उससे हमने ये पौधे तैयार किए हैं नीम के सीड से। अब आपको इसकी क्वांटिटी बताता हूँ, अभी ये डिकम्पोज नहीं हुई है। फिर ये कम्पोस्ट बनने के बाद, जो मेरा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें आपको कुछ तो भी ग्रीन कलर की पाउडर दिखेगी, वो भी नीम खल्ली पाउडर है, वो भी उसकी जा सकती है। और ये डिकम्पोज वाली है, अच्छा ये कम्पोस्ट है, मतलब ये खाद है अच्छी वाली नीम खल्ली की। वो आपको वैसे ही करना है, एक महीने में एक स्पून अपने इतने, देखिए ऐसा इतना प्लांट होगा, नहीं तो समझिए ये बैंगन का है, इतना प्लांट होगा तो आपको इसे चार चम्मच ही देनी है नीम खल्ली, चार चम्मच, और फिर गुड़ाई कर लेनी है, फिर बहुत अच्छा वो रिजल्ट देंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।